हेलो माय डियर स्टूडेंट्स कंप्यूटर के वीडियो में आपका स्वागत है कंप्यूटर अवेयरनेस कंप्यूटर अवेयरनेस में एग्जाम एग्ज़ाम में 10 से लेकर 20 क्वेश्चन तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसलिए इस सेक्शन की थोड़ी सी जरूर इम्पॉर्टेंस है तो इसको बिल्कुल नेगलेक्ट मत करना इस पर भी आपको मेहनत करनी है और क्योंकि ये आपको अच्छे नंबर दिलवा सकता है तो पहला वीडियो है इसमें स्टोरेज एंड मेमोरी स्टोरेज और मेमोरी पे रिलेटेड ये वीडियो होगा हिंदी भाषा के अंदर तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरेज और मेमोरी ये होते क्या हैं? जो स्टोरेज होता है वो कैपेसिटी प्रोवाइड करता है आपको कंप्यूटर पे कोई भी फाइल चाहिए या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो कैपेसिटी पर निर्भर करता है स्टोरेज पर निर्भर करता है तो स्टोरेज बोलते हैं फाइल और इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने की कैपेसिटी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के ऊपर और मेमोरी बोलते हैं जो कंप्यूटर की वर्किंग स्पेस होती है उसको सो मेमोरी प्रोवाइड्स योर वर्किंग स्पेस और स्टोरेज प्रोवाइड्स कैपेसिटी फॉर ऑल द फाइल्स एंड यू नीड वैसे सिर्फ शब्दों का खेल है स्टोरेज और मेमोरी लगभग इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं तो बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है सिर्फ शब्दों का खेल है आप स्टोरेज uh, और मेमोरी इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं अब जो स्टोरेज होता है कंप्यूटर के अंदर वो दो तरह का होता है आप जानते हैं कि जो कंप्यूटर का दिमाग होता है कंप्यूटर का ब्रेन उसे कहते हैं सी यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सी होता है कंप्यूटर का दिमाग और कंप्यूटर का दिमाग जिस इंफॉर्मेशन को जिस स्टोरेज को प्रोसेस करता है उसे कहते हैं प्राइमरी स्टोरेज प्राइमरी का मतलब होता है मेन मुख्य है. तो मुख्य कंप्यूटर की स्टोरेज कौन सी होती है मुख्य कंप्यूटर की मेमोरी कौन सी होती है दो तरह की होती है एक रैम एक रोम रैम रोम और कैश रैम रोम कैश तीन तरह की होती है कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी तो ये मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा अब सेकेंडरी सेकेंडरी स्टोरेज वो होती है जिसको सीपीयू डायरेक्टली प्रोसेस नहीं करता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी स्टोरेज और दूसरा सेकेंडरी स्टोरेज हमेशा नॉन वालाटाइल होती है नॉन वालाटाइल यानी आप कंप्यूटर बंद भी कर देंगे तब भी सेकेंडरी जो स्टोरेज की मेमोरी है वो गायब नहीं होगी वो ऐसी की ऐसी ही रहेगी चाहे कंप्यूटर ऑन हो चाहे ऑफ हो लेकिन प्राइमरी में दो तरह की मेमोरी है एक रैम और एक रोम रैम वालाटाइल है यानी कंप्यूटर बंद कर दोगे तो रैम खत्म हो जाएगी और रोम नॉन वालाटाइल है तो आइए इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं प्राइमरी स्टोरेज जिसको बोलते हैं कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर और सेकेंडरी स्टोरेज होता है ऑल्टरनेटिव स्टोरेज इन कंप्यूटर प्राइमरी स्टोरेज का एग्जाम्पल है राम और रोम और सेकेंडरी स्टोरेज होती है जो हम कंप्यूटर में हार्ड डिस्क डालते हैं कंप्यूटर की मेमोरी या फिर जो हम एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस यूज करते हैं यानी कंप्यूटर की मेमोरी बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं आप बाहर से एक हार्ड डिस्क खरीद लाएंगे एक टेराबाइट या पांच सौ जी की वो कंप्यूटर में लगा देंगे जनरली जो कंपनियां होती हैं जैसे स्कैन डिस्क किंगस्टन सैमसंग इनकी हार्ड डिस्क बाजार में मिलती है तो वाह वो आप बाजार से हार्ड डिस्क ला कंप्यूटर में एक्सटर्नल लगा देते हैं तो वो होती है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क एक होती है कंप्यूटर के अंदर सी के अंदर उसको बोलते हैं इंटरनल हार्ड डिस्क या हार्ड डिस्क ड्राइव और इसके अलावा फ्लॉपी जो पहले यूज करते थे अब फ्लॉपी यूज नहीं करते सी डी डी वी डी वी सी डी ब्लू रे या कंप्यूटर में पेन ड्राइव भी डालते हैं वो भी कंप्यूटर में स्टोरेज का, का काम करता है पेन ड्राइव हालांकि पेन ड्राइव की जो स्पेस uh, है वो ज्यादा नहीं होती लेकिन फिर भी पेन ड्राइव एक्सटर्नल स्टोरेज का काम करता है तो ये सब है सेकेंडरी स्टोरेज और याद रखना सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर जो डाटा है वो नॉन वालाटाइल होता है नॉन वालाटाइल मतलब आप कंप्यूटर स्विच ऑफ कर दीजिए तो भी डेटा डिलीट नहीं होगा मान लीजिए आपने कंप्यूटर में कोई पेन ड्राइव डाला पेन ड्राइव के अंदर कोई मूवी है अब वो मूवी कंप्यूटर में आपने डाली और कंप्यूटर स्विच ऑफ कर दिया तो कंप्यूटर स्विच ऑफ कर दिया तो क्या पेन ड्राइव में जो मूवी थी वो डिलीट हो जाएगी नहीं वो ऐसी की ऐसी रहेगी इसका मतलब आप उसको स्विच ऑन करिए चाहे स्विच ऑफ करिए डेटा डिलीट नहीं होता आप पावर हटा दीजिए तो भी डेटा डिलीट नहीं होता लेकिन कंप्यूटर की जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है जिसे राम कहते हैं रैम वो वोलाटाइल होती है आप जैसे ही कंप्यूटर को स्विच ऑफ करेंगे ये मेमोरी डिलीट हो जाएगी जो प्राइमरी स्टोरेज होती है वो दो तरह की होती है रैम और रोम तो जो रोम है वो नॉन वालाटाइल होती है और रैम वालाटाइल होती है ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है रैम और रोम में सो so, जो प्राइमरी स्टोरेज होती है वो लिमिटेड होती है और सेकेंडरी स्टोरेज लार्जर होती है आप जितना मर्जी एक्सटेंड कर लीजिए इसे आप चाहें तो प, पचास टेराबाइट की एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा लीजिए तो कंप्यूटर की कैपेसिटी कितनी भी बढ़ा सकते हैं लेकिन जो प्राइमरी स्टोरेज है यानी कि रैम और रोम वो लिमिटेड होती है जो प्राइमरी स्टोरेज है जैसा मैंने बताया वो डायरेक्टली बाय द प्रोसेसर ये एक इंटरनल मेमोरी है दैट इज एक्सेस्ड डायरेक्टली बाय द प्रोसेसर यानी सीपीयू कंप्यूटर में जो प्रोसेसर होता है उसे सीपीयू कहते हैं कंप्यूटर का दिमाग सीपी यू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और जो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है सेकेंडरी स्टोरेज की वो डायरेक्टली सीपी प्रोसेस नहीं करता तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि प्राइमरी uh, स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज में क्या डिफरेंस है प्राइमरी स्टोरेज होता है कंप्यूटर का मुख्य स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज होता है सब स्टोरेज या अल्टरनेट स्टोरेज प्राइमरी स्टोरेज में तीन मेमोरी होती है राम रैम और कैश तो आइए इन सबको डिटेल में पढ़ते हैं हम तो मेमोरी का मतलब क्या है मेमोरी का मतलब यह है जब आप कोई फिजिकल डिवाइस जैसे ये आप चिप देख रहे हैं इनको चिप बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चिप ये सेमीकंडक्टर के बनाए जाते हैं जैसे सिलिकॉन के बनाए जाते हैं या जर्मेनियम के बनाए जाते हैं या बोरॉन के बनाए जाते हैं इनको सेमी कंडक्टर बोलते हैं जिनके ये बनाए जाते हैं चिप्स तो जब कंप्यूटर के ये फिजिकल डिवाइसिस होते हैं जो चिप होते हैं ये मेमोरी प्रदान करते हैं कंप्यूटर को उसकी कैपेसिटी परमानेंट बेसिस पे बे उसको मेमोरी कहा जाता है तो ये टेम्प्रेरी बेसिस पे बे भी हो सकती है जैसा हमने देखा रैम रैम एक क्या है रैम भी कंप्यूटर चिप की बनी होती है रैम भी इसी तरह की दिखती है देखने में लेकिन वो टेंप्रेरी है कंप्यूटर आप स्विच ऑफ कर दोगे तो वो खत्म हो जाएगी तो मेन मेमोरी जो कंप्यूटर की है वो तीन हिस्सों में बांटी जाती है राम रोम और कैश तो सबसे पहले देखते हैं रैम इससे पहले मैं आपको थियोरेटिकल बताऊं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं रैम क्या होता है उसके लिए मैं आपको कंप्यूटर के अपने डेस्कटॉप पे ले जाता हूं तो ये मैंने एग्जिट कर दिया पावर पॉइंट यह है कंप्यूटर का डेस्कटॉप इसे कहा जाता है डेस्कटॉप जो ये कंप्यूटर का आप देख रहे हैं यह आप एक खूबसूरत ग्रहों का प्लैनेट्स का वॉलपेपर देख रहे हैं इसमें खूब सारे ग्रह नजर आ रहे हैं आपको ये ये किसके ऊपर लगाया है मैंने ये डेस्कटॉप के ऊपर लगाया है इसको डेस्कटॉप कहा जाता है अब मान लो मैंने कंप्यूटर पे तो ये मैं एप्पल का कंप्यूटर यूज करता हूं मैकबुक प्रो अब मान लीजिए मैंने कोई फाइल खोली मान लीजिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूं अब एक बात बताइए ये जो मैं टाइप कर रहा हूं इसकी भी तो कोई स्पेस है जैसे ये जो मैं अक्षर टाइप कर रहा हूं स्पेस हालांकि बहुत कम है क्योंकि जो अक्षर है मैं इसमें मैंने कोई फोटो नहीं डाली मैंने कोई वीडियो नहीं डाला तो इनकी स्पेस मुश्किल से दस पंद्रह केबी होगी किलो बाइट लेकिन ये मैंने अभी सेव नहीं करी है ये अगर मैं यहां पे फाइल में जाके सेव करता हूं तो ये मेरी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के अंदर सेव हो जाएगा लेकिन अभी टेम्परेरी तौर पर यह कहां सेव हो रहा है ये सेव हो रहा है रैम के अंदर तो ये रैम है जो टेंपरेरी स्टोर कर रहा है जैसे ये देखिए मेरे कंप्यूटर में आठ जी रैम है जो एप्पल का कंप्यूटर मैं यूज करता हूं उसमें आठ जी रैम है इसमें से जो मैंने ये सॉफ्टवेयर चला रखे हैं ये देखिए इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं इनमें मैंने पावर पॉइंट भी पीछे खोल रखा है मैं इंटरनेट भी साथ साथ यूज कर रहा हूं और मैंने ये भी खोल रखा है सो so, ये कंप्यूटर की टेंपरेरी मेमोरी यूज कर रहे हैं जो एप्लीकेशन चलाने के लिए सॉफ्टवेयर चलाने के लिए कंप्यूटर में मेमोरी होती है उसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी तो मेरी जो आठ जी मेमोरी है उसमें से सिर्फ वन पॉइंट सिक्स सेवन जी अवेलेबल है फ्री है बाकी सब यूज़ हो रही है सॉफ्टवेयर द्वारा और बहुत सारी और चीज़ों द्वारा तो ये है टेम्परेरी मेमोरी अगर मान लो मैंने ये फाइल सेव नहीं की और मैंने कंप्यूटर शट डाउन कर दिया तो क्या मैं जब कंप्यूटर दोबारा खोलूँगा तो ये फाइल मुझे मिल जाएगी नहीं मिलेगी यानी कि टेम्परेरी मेमोरी थी कंप्यूटर शट डाउन फाइल डिलीट हाँ, अगर मैं इसको सेव कर देता हूं तो वो परमानेंट मेमोरी का हिस्सा हो जाएगी फिर वो फिर सेकेंडरी स्टोरेज हो जाएगी अभी क्या है ये प्राइमरी स्टोरेज तो ये रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी का हिस्सा है अब हम आते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर अब आपको ज्यादा क्लियर होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी जनरली एक से आठ जीबी तक होती है गीगाबाइट हालांकि इसको बढ़ाया भी जा सकता है आजकल तो एक्सटर्नल डिवाइसेस आ गए हैं पेन ड्राइव की तरह जिनको आप कंप्यूटर में प्लग करेंगे तो आपकी रैम बढ़ जाएगी मान लो आपने लैपटॉप लिया उसके अंदर दो जी रैम है लेकिन आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर चलाने हैं अगर आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर चलाएंगे और आपकी रैम कम है तो कंप्यूटर हैंग हो जाएगा यानी कंप्यूटर रुक जाएगा और आपको उसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा तो आप क्या करेंगे इसमें एक एक्सटर्नल एक वो लगाएंगे रैम का एक पेन ड्राइव की तरह आता है उसको आप कंप्यूटर में डाल देंगे मान लीजिए दो जी का है तो आपने एक्सटर्नली डाल दिया जब आप कंप्यूटर पर कोई हैवी काम कर रहे हैं मान लीजिए आप कोई बहुत बड़े सॉफ्टवेयर चला रहे हैं गेम्स चला रहे हैं जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा रैम चाहिए कंप्यूटर की तो फिर आप एक्सटर्नल रैम को यूज़ कर सकते हैं और अपनी ये जो रैम है इसको बढ़ा सकते हैं सो so, जो रैम होती है वो वोलाटाइल होती है यानी जैसे ही आपने कंप्यूटर को स्विच ऑफ किया रैम खत्म हो जाती है तुरंत और जो रैम होती है वो भी इसी तरह से बिल्कुल चिप्स की बनी होती है ये कंप्यूटर के अंदर डालते हैं हम चिप्स इसकी बनी होती है रैम और रैम कंप्यूटर के अंदर बनी बनाई जाती है लेकिन रैम हर सेकेंड चेंज होती रहती है क्योंकि आपने Uh, अगर कंप्यूटर uh, पे ध्यान दिया हो तो अगर मैंने मान लो एक ही सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ तो रैम कम यूज़ हो रही है मान लो मैंने दूसरा सॉफ्टवेयर खोल दिया तो वो ज़्यादा यूज़ होगी या एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर अगर मैं भारी काम कर रहा हूँ तो रैम ज़्यादा यूज होगी यानी रैम चेंज होती रहती है सो so, रैम का काम क्या है रैम का काम है कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर है जो डेटा है या एप्लीकेशन प्रोग्राम है उनको uh, उनको उनको में टेम्परे स्टोरेज करना और इट डिटरमाइंस द नंबर एंड साइज ऑफ द प्रोग्राम दैट कैन बी रन एट द सेम टाइम यानी रैम क्या दिखाता है कंप्यूटर का रैम यह दिखाता है कि कितने प्रोग्राम आप एक साथ कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं या कितने साइज के प्रोग्राम यूज़ कर सकते हैं अगर आपको भारी प्रोग्राम यूज़ करने हैं तो रैम ज़्यादा चाहिए यानी एक तरह से जब हम कंप्यूटर खरीदते हैं तो रैम हमें चेक कर लेना चाहिए अगर आपको बहुत हाईफाई काम करना है बहुत बड़े गेम्स खेलने हैं या बहुत सारे सॉफ्टवेयर एक्सर चलाने हैं वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर चलाने हैं तो आपको रैम ज़्यादा चाहिएगी लेकिन अगर आपको बहुत हल्का फुल्का कंप्यूटर से काम लेना है तो रैम आपको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए एक बात और रैम का एक दूसरा नाम भी है रैम को बोलते हैं रीड राइट मेमोरी वो क्यों क्योंकि आप इसमें ना सिर्फ पढ़ सकते हैं सीपीयू ना सिर्फ रीड कर सकता है बल्कि चेंज भी होती रहती है तो राइट भी होता है इसमें रीड भी और राइट दोनों काम होते हैं इसलिए इसको बोलते हैं रीड राइट मेमोरी और ये भी चिप्स की बनी होती है और ये जो चिप है ये हजारों लाखों ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर के बने होते हैं तो रैम दो तरह की होती है इसमें आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है सिर्फ फुल फॉर्म याद रखनी है या सिर्फ ये याद रखना रैम कितने तरह की होती है एक होती है स्टैटिक रैम एक होती है डायनामिक रैम तो एक होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरी होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो स्टैटिक वाली है वो सेमी कंडक्टर मेमोरी होती है और ये फ्लिप फ्लॉप यूज़ करती है और इसको बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता जो डायनामिक वाली है ये बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है इसमें सिर्फ एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर होता है और इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है इट नीड्स टू बी रिफ्रेश पीरियोडिकली क्योंकि इसमें जो कैपेसिटर होता है वो चार्ज को लीक करता है इसलिए बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है और जो स्टैटिक वाली है ये बहुत फास्ट होती है और कम पावर यूज करती है और इसमें काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है कई सारे इसमें हाई कैपेसिटी एप्लीकेशन के लिए यूज नहीं होती और इसमें छह ट्रांजिस्टर यूज होते हैं अब हम बात करते हैं दूसरी मेमोरी की जिसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी रीड ओनली रीड ओनली नाम से पता चल रहा है आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने आपको कहा था रैम को क्या बोलते हैं रैम को बोलते हैं रीड राइट मेमोरी यानी आप रीड भी कर सकते हैं राइट भी कर सकते हैं राइट का मतलब क्या है आप उसमें जो चीजें हैं उसे चेंज कर सकते हैं ये क्या है रीड ओनली इसको राइट नहीं कर सकते यानी इसको चेंज नहीं कर सकते जो कंप्यूटर का मैन्युफैक्चरर है कंप्यूटर का निर्माता है उसने एक बार जो बना के डाल दी तो डाल दी आप उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते ये डिफरेंस है रैम और रोम में सबसे बड़ा रैम चेंज होती रहती है रैम को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं लेकिन रोम को चेंज नहीं कर सकते आपको अगर रैम बढ़ानी घटानी है तो आप वो भी कर सकते हैं कंप्यूटर की आप एक्सटर्नल डिवाइस डाल के रोम में कुछ भी नहीं किया जा सकता सो so, रोम होती क्या है रोम होती है पहली बात रोम नॉन वोला है आप कंप्यूटर स्विच ऑफ भी कर देंगे तो रोम गायब नहीं होगी रैम की तरह तो रोम नॉन वोला है और रैम वोलाटाइल है अब रोम के अंदर कंप्यूटर की कुछ फिक्स इंफॉर्मेशन रहती है जो चेंज नहीं होती और जो कंप्यूटर को चाहिए इसलिए डिलीट नहीं होती फॉर एग्जाम्पल मान लो आप कंप्यूटर रिस्टार्ट कर रहे हो अब रिस्टार्ट करोगे तो कंप्यूटर को कैसे पता कि मेरे को रिस्टार्ट होना है यानी कुछ फिक्स इंफॉर्मेशन उसमें पहले से डाली हुई होगी कि हां ये कमांड ये देने पे रिस्टार्ट होगा और रिस्टार्ट होगा तो किस तरह से लोड होगा किस तरह से उसको ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कंप्यूटर में क्या डाला हुआ है उसको ऑपरेट करने के लिए आपने विंडोज डाला हुआ है मैक डाला हुआ है लिनक्स डाला हुआ है इन सबको बोलते हैं विंडोज अब कंप्यूटर आपने रिस्टार्ट किया तो विंडोज लोड लोड होगी विंडोज होने के लिए कौन सी मेमोरी चाहिए रीड ओनली मेमोरी ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने विंडोज लोड की और एक बार दूसरे तरीके से लोड हो रही है फिर फिर आपने शट डाउन कर दिया दोबारा दोबारा खोला तो तरी, दूसरे तरीके से लोड हो रही है नहीं वो हर बार एक ही तरीके से लोड होगी क्योंकि रीड ओनली मेमोरी चेंज नहीं हो सकती और रीड ओनली मेमोरी होती है नॉन वोलाटाइल यानी इसका डेटा रिटेन रहता है जब कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है उसके बाद भी तो रीड ओनली मेमोरी तीन तरह की होती है वैसे तो छः सात तरह की होती है आप सिर्फ तीन तरह की याद रख सकते हैं एक तो होती है प्रोम प्रोम क्या होती है प्रोम होती है ये खाली आती है इसके अंदर एक बार यूजर ने प्रोग्राम कर दिया तो फिर वो चेंज नहीं हो सकता यूजर इसे प्रोग्राम कर सकता है लेकिन एक बार प्रोग्राम करने के बाद इसमें से डेटा मिटाया नहीं जा सकता इसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल प्रोम एक होती है इरेजेबल प्रोम ये सेम है बस इसमें डेटा मिटाया जा सकता है अल्ट्रा वायलेट लाइट की मदद से याद रखिए अल्ट्रावायलेट लाइट की मदद से डेटा मिटाया जा सकता है और तीसरी है इलेक्ट्रिकली अप्रोम इलेक्ट्रिकली अप्रोम मतलब इसमें ये बिल्कुल अप्रोम जैसी है फर्क सिर्फ इतना है इसमें अल्ट्रावायलेट लाइट के बजाय हम करंट यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं डेटा को मिटाने के लिए तो ये हैं तीन तरह की रीड ओनली मेमोरी तो रीड ओनली मेमोरी के क्या फर्क फायदे हैं रीड ओनली मेमोरी का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि एक बार जो बन गई तो बन गई, तो बन गई इसको रिकनफिगर चेंज नहीं किया जा सकता दूसरा कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए यूज होती है और विंडोज को लोड करने के लिए यूज होती है रीड ओनली मेमोरी रीड ओनली मेमोरी परमानेंट मेमोरी है यह परमानेंट और सिक्योर डेटा करती है क्योंकि नॉन वोलाटाइल होती है कंप्यूटर अगर आप स्विच ऑफ भी कर देंगे तो यह नहीं खोएगी और इसमें अपनी खुद की बैटरी होती है जो इसमें काम करती है इसलिए यह नॉन वोलाटाइल होती है कंप्यूटर में बिजली ना होने के बाद भी ये काम करती है दूसरा कंप्यूटर में अगर आप कोई हार्डवेयर कनेक्ट करते हैं हार्डवेयर जैसे आपने माउस कनेक्ट कर दिया या कोई पेन ड्राइव कनेक्ट कर दी या आपने प्रिंटर कनेक्ट कर दिया ये सब हार्डवेयर है जिस चीज़ को आप हाथ से छू सकते हैं वो हार्डवेयर है कंप्यूटर की कोई भी चीज़ जिसे आप हाथ से छू सकते हैं क्या आप कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को हाथ से छू सकते हैं जो मेरे डेस्कटॉप पे आपने देखे क्या आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हाथ से छू सकते हैं नहीं तो वो सॉफ्टवेयर है जिसको हार्ड हाथ से नहीं छू सकते कंप्यूटर का वो पार्ट वो सॉफ्टवेयर है और जिस पार्ट को हाथ से छू सकते हैं वो हार्डवेयर है तो कंप्यूटर की स्क्रीन क्या है अगर मैं आपसे पूछूँ वो हार्डवेयर है कंप्यूटर का की क्या है हार्डवेयर है अब इसके अंदर कंप्यूटर में अगर आप कोई हार्डवेयर डालते हैं तो वो हार्डवेयर को डिटेक्ट कौन करता है उस हार्डवेयर को चलाता कौन है आपने कंप्यूटर में माउस कनेक्ट कर दिया तो माउस अपने आप काम करना कैसे स्टार्ट कर देता है कौन सी मेमोरी है जो काम करती है वो है रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी तो रैम और रोम में मेन डिफरेंस क्या है सबसे पहला डिफरेंस ये है कि जो रैम है वो डेटा एंड प्रोग्राम कैन बी रेड एंड रिटर्न लिखा और पढ़ा दोनों जा सकता है रैम में जो प्रोग्राम है वो और रोम में सिर्फ रीड ओनली नाम के अंदर ही है रीड ओनली बट कैन नॉट बी रिटर्न दूसरा ये डेटा स्टोर करती है जब कोई चीज़ प्रोसेस हो रही होती है और ये परमानेंटली स्टोर करती है कंप्यूटर के अंदर ये वाली वोलाटाइल है यानी कंप्यूटर में पावर अगर कंटिन्यूस चाहिए नहीं होगी तो ये भी नहीं होगी इस ये नॉन वोलाटाइल है पावर नहीं भी होगी तो भी ये स्टोरेज काम करेगी और ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको प्रोसेस करती है और जो रोम है ये प्री रिकॉर्डेड होती है ये मैनुफैक्चर बना के भेजता है और उसके बाद चेंज नहीं हो सकती लेकिन जो रैम है इसे सीपीयू प्रोसेस करता है और समय समय पर यह चेंज होती रहती है अब हम बात करते हैं अभी ये सब चल रहा था प्राइमरी स्टोरेज तो प्राइमरी स्टोरेज में तीन तरह की मेमोरी मैंने आपको बताई एक रैम एक रोम तीसरी होती है कैशे या कैश 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 मेमोरी कैश मेमोरी क्या होती है कैश मेमोरी होती है आप कंप्यूटर में जो चीज़ें ज़्यादा यूज करते हैं वो फास्ट काम करेंगी और जो चीज़ कम यूज करते हैं वो स्लो काम करेगी यानी कि जो आपका प्रोसेसिंग डेटा है वो कैश मेमोरी स्टोर कर लेती है और फिर उससे आपको आसानी हो जाती है जब वो आप सेम चीज़ आगे यूज करते हैं ध्यान से सुनिए अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर खोला और उसके अंदर एक वेबसाइट खोली लेट से मैंने वेबसाइट खोली लेट से स्टडी आई क्यू डॉट इन ये हमारी खुद की वेबसाइट है अभी ये मल्टी मीडिया वेबसाइट है इस पर वीडियोज़ हैं इमेजेस हैं ये काफ़ी स्लो खुलेगी क्योंकि ये बहुत भारी भरकम वेबसाइट है इस पर बहुत सारी इमेजेस लोड होती हैं वीडियो लोड होते हैं तो ये स्लो खुलेगी लेकिन अगली बार जब मैं इसको खोलूंगा तो ये स्लो नहीं खुलेगी ये फास्ट खुलेगी वो क्यों क्योंकि स्टडी आई क्यू डॉट इन की जो फाइलें हैं वो कैश में चली गई हैं तो अगली बार ये ज़्यादा तेज़ी से खुलेगी इसकी जो कुकीज़ हैं वो स्टोर हो गई हैं और वो कैश मेमोरी में चली गई हैं और इसी तरह से कंप्यूटर में जो प्रोसेसर है वो कैश मेमोरी को यूज़ करता है फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा को स्टोर करने के लिए फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा मतलब कंप्यूटर का वो डेटा कंप्यूटर की वो चीज़ जो आप बहुत ज़्यादा ओपन करते हैं बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसको बहुत फ्रीक्वेंटली ये खोल पाएगा अगली बार और कैश मेमोरी दो तरह की होती है प्राइमरी कैश जो प्रोसेसर के अंदर होती है और सेकेंडरी कैश जो या तो माइक्रो प्रोसेसर के पास होती है या मदरबोर्ड के ऊपर होती है तो ये हैं दो तरह की कैश अब मैं बात करता हूं सेकेंडरी स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है सेकेंडरी स्टोरेज होता है जो कंप्यूटर का मुख्य स्टोरेज नहीं होता कंप्यूटर को चलाने के लिए सेकेंडरी स्टोरेज की जरूरत नहीं होती सिर्फ यह कंप्यूटर की जो स्पेस है उसको बढ़ा देता है तो सेकेंडरी स्टोरेज तीन तरह का होता है एक होता है ऑप्टिकल स्टोरेज दूसरा जिसमें सीडी, डीवीडी, वीसीडी, ब्लू रे ये सब आता है दूसरा होता है मैग्नेटिक स्टोरेज जिसमें हार्ड डिस्क ड्राइव जो कंप्यूटर के अंदर लगती है वो वाली हार्ड डिस्क ड्राइव और फ्लॉपी ये सब आता है इनफैक्ट जो हम पहले कैसेट uh, सुनने के लिए गाना सुनने के लिए ऑडियो कैसेट यूज करते थे जिसमें रील होती थी अंदर वो भी मैग्नेटिक स्टोरेज के सिद्धांत पे काम करती थी और तीसरी होती है पेन ड्राइव्स जिन्हें कहते हैं फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस जिसमें पेन ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आती है जो कंप्यूटर के अंदर आप एक्सटर्नली हार्ड डिस्क लगाते हो वो आती हैं तो ये तीन तरह के डिवाइस होते हैं अब इनको फटाफट इनके बारे में नजर डालते हैं तो स्टोरेज का मतलब क्या होता है स्टोरेज का मतलब होता है कोई भी डिवाइस जो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है जब कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाए उसके बाद भी मैंने आपको पहले ही बताया था जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है वो नॉन वॉलेटाइल होती है नॉन वॉलेटाइल होती है मतलब ये पावर ऑफ होने के बाद भी डिलीट नहीं होगी तो इसके एग्जाम्पल क्या है इसके एग्जाम्पल है फ्लॉपी हार्ड डिस्क यूएसबी इसको हम काफी डिटेल में देखते हैं सबसे पहले बात करते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस की ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस मतलब जो डाटा स्टोर करते हैं आपका तो इसमें क्या क्या आते हैं सीडी आती है जो आप सीडी सुनते हैं गानों की सीडी दो तरह की होती है एक होती है ऑडियो सीडी ऑडियो सीडी में सिर्फ आवाज आती है एक होती है वी यानी वीडियो सीडी वीडियो सीडी के अंदर आपको पिक्चर भी दिखाई देती है साथ में गाने के साथ साथ और जो सीडी होती है इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क यह ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है और इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क इसकी जो स्पेस है वो 600 से लेके 750 MB मेगाबाइट तक हो सकती है जनरली जो नॉर्मल सीडी रहती है उसकी कैपेसिटी होती है 700 मेगाबाइट और उन्नीस से सीडी यूज करना हमने स्टार्ट किया था जो डीवीडी होती है डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वीडियो या वर्सेटाइल डिस्क इसकी दो फॉर्म होती है डिजिटल वी से होता है वीडियो या वर्सेटाइल डिस्क और सी के सात गुना स्पेस होती है डीवीडी की लगभग फोर पॉइंट सेवन गीगा बाइट यानी कि सी में जितने आप गाने डाल सकते हैं उसके सात गुना डाल सकते हैं डीवीडी में उतनी स्पेस के अगर सी में एक पिक्चर आएगी तो डीवीडी में चार से पाँच पिक्चर आ सकती हैं तो डीवीडी की कैपेसिटी लगभग सीडी के, लग के सात गुना है और उन्नीस सौ से हमने डीवीडी यूज करना स्टार्ट किया था और तीसरी होती है ब्लू रे जो अभी अभी आई है 2006 से इसकी कैपेसिटी होती है पच्चीस जीबी बी पच्चीस जी इसमें बहुत हाई फाई फिल्में जिन हाई डेफिनेशन जिनकी स्पेस बहुत ज़्यादा होती है जिन जिनके प्रिंट बहुत ज़्यादा होते हैं वो सब हम इसमें यूज़ करते हैं तो ये ऑप्टिकल जो डिवाइस है ये डिस्कवर किसने किए थे इन्वेंट किसने किए थे ऑप्टिकल डिस्क जितनी भी हैं इनको इन्वेंट किया था डेविड पॉल ग्रैग नाम के साइंटिस्ट ने नाइनटीन में वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए डेविड पॉल ग्रैग ने और जो वेवलेंथ है लेज़र लाइट की जो हम यूज़ करते हैं सीडी को पढ़ने के लिए सीडी के अंदर हम डेटा डाल देते हैं और डेटा को पढ़ने के लिए हम यूज़ करते हैं लेजर लाइट और लेजर लाइट की जो वेवलेंथ है वो होनी चाहिए 780 सौ डीवीडी के लिए होनी चाहिए 650 और ब्लू रे के लिए होनी चाहिए 405 नैनोमीटर तो ये सब आपको याद करना है कितनी कितनी वेवलेंथ होनी चाहिए सीडी को पढ़ने के लिए डीवीडी को पढ़ने के लिए और ब्लू रेड इसको तो इनके एडवांटेज क्या है सीडी डीवीडी वगैरह के छोटी हैं इनमें काफी सारा डेटा आ जाता है काफी सारे डॉक्यूमेंट मूवीज सॉन्ग ये सब आप डाल सकते हो तो म्यूजिक मूवीज और गेम्स डाल सकते हो बहुत ज्यादा सस्ती आती हैं एक सीडी डी दस रुपए की आती है मुश्किल से और दस से पंद्रह रुपये की डिपेंडिंग ऑन कंपनी और डीवीडी आती है लगभग पच्चीस से पचास रुपये की अगेन कंपनी टू कंपनी पर डिपेंड करता है लेकिन बहुत सस्ती हैं और आसानी से आप इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो तो डिसएडवांटेज क्या है डिसएडवांटेज है टूट सकती हैं या इन पर स्क्रैच आ जाते हैं जिस वजह से डेटा करप्ट हो जाता है और इनकी डेटा ट्रांसफर रेट स्लो है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप कंप्यूटर में अगर एक पिक्चर कॉपी करेंगे डीवीडी से तो बहुत स्लो होगी पेनड्राइव से करेंगे तो बहुत फास्ट होगी ये डिफरेंस है दूसरे तरह के स्टोरेज डिवाइस होते हैं सेकेंडरी स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस आपको याद होगा ऑडियो कैसेट था ऑडियो कैसेट में एक रील होती थी वो रील कई बार टूट जाती थी या, या फंस जाती थी जब फंस जाती थी तो आप पेंसिल डाल के उसको सीधी करते थे वो एक मैग्नेटिक स्टोरेज के सिद्धांत पे काम करती है तो मैग्नेटिक स्टोरेज में सबसे पहले है फ्लॉपी फ्लॉपी की स्पेस होती है 1.44 पॉइंट जो नॉर्मल फ्लॉपी होती है सिर्फ 1.44 पॉइंट आजकल एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट भी इससे ज़्यादा होता है तो इसलिए फ्लॉपी को कोई यूज नहीं करता आजकल 2010 के बाद से फ्लॉपी यूज करनी बंद हो गई है अब कोई भी कंप्यूटर ऐसा नहीं आता जिसमें फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होती है और 1971 में फ्लॉपी सबसे पहली बार यूज हुई थी दूसरी होती है हार्ड डिस्क ड्राइव हार्ड डिस्क ड्राइव होती है ये हम हमने सबसे पहले नाइनटीन में यूज की थी लेकिन इस, इसको जो इसको जो पॉपुलरिटी मिली वो नाइनटीन के अंदर मिली हार्ड डिस्क को हम फिक्स कर देते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सी के अंदर और ये बहुत सारे मेटल प्लेटर्स की बनी होती है और ये मेटल प्लेटर कोट हो जाते हैं जिसमें डेटा मैग्नेटिकली स्टोर हो जाता है जो नॉर्मल स्पीड होती है हार्ड डिस्क की वो होती है छत्तीस रेवोल्यूशन पर सेकेंड ये भी आपको याद रखना है कि हार्ड डिस्क की जो स्पीड है वो कितनी होती है छत्तीस रेवोल्यूशन पर सेकेंड और जो जो रीड राइट हेड ऑफ द हार्ड डिस्क मूव्स अक्रॉस इक्ट सरफेस तो जैसे वो रील घूमती थी गोल गोल ऐसे ही ये भी घूमती हैं और इसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो फ्लॉपी से बहुत ज़्यादा होती है तो एडवांटेज क्या है इसके एडवांटेज हैं कि इसमें जो ट्रांसफ़र स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा होती है ये डेटा uh, लॉस इसमें नहीं होता क्योंकि नॉन वाला है ये इसकी uh, इसमें जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और ये कंपेरेटिवली चीप प्राइस है इसका प्राइस कम है डिसएडवांटेज यही है कि इसमें जो uh, जो वायर जो अंदर जो टेप है वो टूट सकती है तो इसमें इवेंचुअली ये टूट जाती है क्योंकि ये मैकेनिकल बेसिस पे काम करती है इसमें डैमेज हो सकता है डेटा लॉस हो सकता है कंप्यूटर अगर क्रैश हो जाए तो डेटा लॉस हो जाता है और क्योंकि ये सीपी के अंदर डलती है तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर नहीं किया सकता आसानी से पूरा कंप्यूटर खोलना पड़ता है अगर कोई पेन ड्राइव वगैरह है तो उसमें आसानी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है लेकिन एच हार्ड डिस्क ड्राइव से नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सीपी के अंदर डलती है अगली है पेन ड्राइव जिसे बोलते हैं यूएस फ्लैश ड्राइव ये एक नॉर्मल पेन ड्राइव है जो बाजार में मिलती है ये किंगस्टन कंपनी की है एक टेराबाइट की काफी हाई स्पेस की पेन ड्राइव है और पेन ड्राइव के अंदर पेन ड्राइव ऐसी होती है अगर आप इसको खोलेंगे तो आगे ये लगा होता है इसमें दो होल होते हैं ऐसे इस हिस्से को बोलते हैं यूएसबी और यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम में आया हुआ यूएसबी ड्राइव क्यों बोलते हैं यूएस की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस और ये 2000 ईयर से हमने यूज करनी स्टार्ट कर दी थी, थी पेन ड्राइव दुनिया में और काफी स्मॉल है काफी आसानी से डेटा ट्रांसफर हो जाता है जेब में आप इसे रख के ले जा सकते हैं यानी कि पोर्टेबल है और डिसएडवांटेज यह है कि पेन ड्राइव से कई बार वायरस आ जाता है डेटा करप्ट हो जाता है तो ये सब कुछ डिसएडवांटेज है अगला है यह भी फ्लैश मेमोरी डिवाइस है पेन ड्राइव की तरह यह है सॉलिड स्टेट ड्राइव यह 1995 में इंट्रोड्यूस हुई थी इनकी ट्रांसफरिंग स्पीड बहुत ज्यादा रहती है सॉलिड स्टेट ड्राइव की और ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आप इन्हें कह सकते हैं ये आप कनेक्ट करते हैं इन्हें और इनमें काफ़ी सारा डेटा ट्रांसफर हो जाता है तो इनके एडवांटेज वहीं हैं लार्ज कैपेसिटी है इनकी छोटा साइज़ है पावर कंजम्पशन कम है बिजली कम खाते हैं ये और क्वाइटली काम करते हैं जो फिजिकल हार्ड ड्राइव होती है कंप्यूटर की वो बहुत श्योर करती है कई बार आप कंप्यूटर देखेंगे कंप्यूटर में से बहुत आवाज़ आ रही होती है क्यों क्योंकि जो फिज़िकल हार्ड ड्राइव है उससे उसमें से बहुत आवाज़ आती है और डिसएडवांटेज ये है कि इनका प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है और इनको लूज़ भी किया जा सकता है क्योंकि सी पी के अंदर फिट नहीं होती अब जो डेटा हम डालते हैं कंप्यूटर में उसके यूनिट होते हैं जैसे बिट सबसे छोटा होता है फिर बाइट फिर किलो बाइट फिर उससे बड़ा मेगा बाइट फिर उससे बड़ा गीगा बाइट तो इस तरह से डेटा हम मेजर करते हैं तो देखते हैं इसको डिटेल में सबसे छोटा है बाइनरी डिजिट कंप्यूटर में जो भी ये इनफैक्ट जो भी ऑप्टिकल डिवाइस होते हैं जैसे सी है डी है वी ये सब चीजें जो हैं इनमें जो डेटा स्टोर होता है वो बाइनरी के अंदर होता है ये आपको याद रखना है डेटा हमेशा बाइनरी के अंदर स्टोर होता है ऑप्टिकल डिवाइस के अंदर और जो बाइनरी होता है बाइनरी डिजिट आप जानते हैं बाइनरी सिस्टम के अंदर बाई मतलब क्या होता है बी आई बाई मतलब होता है दो तो बाइनरी सिस्टम में हम सिर्फ दो डिजिट यूज करते हैं जीरो और वन तो बाइनरी डिजिट को शॉर्ट में बोलते हैं बिट इसमें बिट मतलब ये बिट में बी आई आया बाइनरी से और टी आया डिजिट से इसलिए इसको बोलते हैं बिट बिट में सिर्फ वही दो ही अक्षर होते हैं जीरो और वन और ये दिखाते हैं कि या तो जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक सर्किट का या तो वो एक्टिव है या पैसिव है तो वो जीरो और वन उसके हिसाब से होगा जीरो होगा तो पैसिव है वन होगा तो एक्टिव है और जब चार बिट होते हैं याद रखिए है, चार बिट एक बात और जब छोटा बी बनाओगे तो मतलब बिट और बड़ा बी बनाओगे तो मतलब बाइट ये भी आपको याद रखना है जब चार बिट हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं निबल चार बिट को और आठ बिट को बोलते हैं बाइट तो जो भी चीजें यूज मेजर करते हैं वो बाइट में करते हैं क्योंकि बाइट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन रिप्रेजेंट अ डेटा आइटम और अ कैरेक्टर जो डाटा हम स्टोर करते हैं सबसे छोटा जो उसका यूनिट है वो है बाइट बाइट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा अब अगर एक हजार चौबीस बाइट हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं एक किलो बाइट एक हजार चौबीस किलो बाइट मतलब एक मेगाबाइट एक हजार चौबीस मेगा बाइट मतलब एक गीगा बाइट एक हजार चौबीस गीगा बाइट मतलब एक टेरा बाइट एक हजार चौबीस टेरा बाइट मतलब एक पैटाबाइट तो जनरली हम टेराबाइट तक की एक्सटर्नल डिवाइसिस यूज करते हैं पेटाबाइट वगैरह अभी कमर्शियली उतने अवेलेबल नहीं है एक हजार चौबीस पेटाबाइट को बोलते हैं एक एग्जा बाइट एक हजार चौबीस एग्जा को बोलते हैं एक जेटाबाइट बाइट एक हजार चौबीस को एकट और एक हजार चौबीस योटा बाइट को एक ब्रोंटो बाइट एक हजार चौबीस ब्रोंटो को एक जॉप बाइट और जॉप बाइट सबसे बड़ी हाइएस्ट मेमोरी मेजरिंग यूनिट होती है यह सब आपको एकदम टिप्स पर याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है सो so यह था वीडियो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर आई होप यू एंजॉयड द वीडियो कोई डाउट हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग